नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ साउंड बार और होम थिएटर के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। देखिए, साउंड बार जो होती है वो एक पतली लंबी सी साउंड बार होती है, और मैं यहाँ पर साउंड बार जो मूवी एक्सपीरियंसेस के लिए आती है उनके बारे में बात करूंगा, क्योंकि जो 2.1 साउंड बार्स आती है उनके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो उसी प्राइस रेंज में उससे बेटर आप एक 2.1 स्टीरियो सिस्टम ले सकते हो, जहाँ पे कि दो बुकशेल स्पीकर और एक सबवूफर आप वहाँ पे ले सकते हो। तो साउंड बार्स जो होती हैं वो पतली ज़रूर होती हैं, टीवी के नीचे लगाने से जगह कम घेरती हैं, सब बातें होती हैं, लेकिन उनकी साउंड भी पतली होती है। उसकी जो कहते हैं क्वालिटी जो होती है वो काफ़ी प्लास्टिक की साउंड सुनाई देती है। और प्लास्टिक की साउंड क्या होती है और वुडी साउंड क्या होती है ये समझने के लिए आपको खुद ही सुनना पड़ेगा, तो वो मैं ऐसे वर्बली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये समझा सकता हूँ कि जो होम थिएटर सिस्टम्स होते हैं जनरली जो पैकेज में जो स्पीकर्स आते हैं वो भी अभी प्लास्टिक में आने लग गए, लेकिन हम चाहें तो उनको रिप्लेस करके वुडन स्पीकर्स और अच्छे बड़े स्पीकर्स लगा सकते हैं। होम थिएटर सिस्टम में हम सराउंड साउंड को उस लेवल पे लेके आ सकते हैं जिस लेवल का सराउंड साउंड हम सिनेमा हॉल्स में सुनते हैं। साउंड बार्स उस होम थिएटर जैसा बोल रहा हूं, सिनेमा हॉल जैसा नहीं बोल रहा हूं, सिनेमा हॉल जैसा अफेक्ट आया होम थिएटर में, होम थिएटर जैसा अफेक्ट आया साउंड बार में। क्वालिटी कहां से डाउन होनी शुरू हुई? सिनेमा हॉल का बड़ा बड़ा पर्दा, होम थिएटर का छोटे स्पीकर, साउंड बार और छोटा हो गया, तो साउंड तो उन छोटे स्पीकर से भी निकलती है। सिनेमा हॉल में जो बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं उनमें से भी साउंड निकलती है। जो होम थिएटर में जो मीडियम साइज़ के स्पीकर्स सिनेमा हॉल से अगर कंपेयर करें तो मीडियम ही साइज़ के हुए, उनमें से भी तो साउंड ही निकलती है। तो भैया, छोटे स्पीकर से जो साउंड निकलती है तो वो तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन से भी निकलती है, मगर साउंड को आप समझो, मोबाइल फ़ोन से जो आप आवाज़ सुनते हो बहुत टाइनी छोटी सी होती है। स्पीकर जो टीवी में दिए गए रहते हैं वो मोबाइल फ़ोन के स्पीकर से तो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन अपने आप में टीवी में जो स्पीकर दिए गए होते हैं वो भी बहुत बुरे नहीं होते। अगर कोई एक एवरेज प्राइस रेंज की आप साउंड बार लोगे और उसके साथ अगर सबवूफर आता है, आप सबवूफर को म्यूट कर दो और सिर्फ साउंड बार से निकलने वाली आवाज़ को सुनो, फिर अपने टीवी पे वही आवाज़ को सुनो, तो आपको कोई खास फर्क नहीं मिलने वाला है, ऑलमोस्ट सेम। और कई बार तो बहुत सारी साउंड बार ऐसी होंगी आप कहेंगे यार मेरा टीवी ही जो है कि अच्छी साउंड क्रिएट करता। कुछ टाइम पहले किसी ने मुझे ये सेम बात कमेंट में लिखी थी कि मैंने एक साउंड बार ली और उसमें सिर्फ बेस एक्स्ट्रा आ रहा था, अगर बेस बंद कर दूं तो मेरे टीवी की साउंड ज़्यादा अच्छी थी। डिपेंड करता है कि भाई किस बजट की क्या चीज़ आप लेते हो, उसके बाद आपको क्या साउंड आउटपुट मिलता है। भाई साउंड बार में ना ये लगभग इस साइज़ का एक स्पीकर होता है या इससे भी छोटे दिए गए रहते हैं। जो अच्छी खासी प्राइस रेंज की साउंड बार थी उनमें इस तरीके के साइज़ के स्पीकर्स होते हैं और बाकी इससे छोटे ही होते हैं, और ये कुछ 3 इंच के आसपास का स्पीकर है। होम थिएटर सिस्टम्स में क्या होता है, वहाँ पर इस तरीके के बड़े स्पीकर्स को माना जाता है कि अच्छा। सैटेलाइट स्पीकर्स भी आते हैं अब लगाने होम थिएटर में, क्या भाई AVR अलग से, अब आप उसमें कोई भी स्पीकर जो भी उसके ओम्स के साथ मैचिंग हो और वॉटेज के साथ मैच करता हो वो आप लगा सकते हो। तो जनरली एक अच्छी आवाज़ सुनने के लिए घर के अंदर, रूम के अंदर सराउंड साउंड के, जैसे कि मान लीजिए कि 5 स्पीकर हैं, तो उन 5 स्पीकर्स में इस साइज का मिनिमम स्पीकर ड्राइवर लगा होना चाहिए और साथ में एक ट्वीटर, यानी कि 2-way स्पीकर सिस्टम मिनिमम कंपलसरी, और सारे एक जैसे। सिर्फ सेंटर चैनल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको डिफरेंट करना पड़ता है, वहाँ से वोकल और क्लियरिटी और मिड्स बहुत क्लियर सुनाई देना चाहिए, और साथ में जो बेस है वो भी एकदम प्रॉपर क्लीन एंड क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देना चाहिए। सेंटर चैनल सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद 0.1 जो होता है सबवूफर, वो तो साउंड बार में जो सबवूफर दिए गए उनमें जनरली इस साइज़ का सबवूफर लगा होता है, 5.25 इंच, 6.5 इंच, हद से हद, बहुत ज़्यादा जो थोड़ी और महंगी साउंड में 8 इंच का, तो और वो बहुत ही छोटे और पतले डिज़ाइन होते हैं, उनमें से अच्छा खासा बेस आता है। ऐसा नहीं है कि बेस बिल्कुल नहीं आता और बेकार होते हैं, मैं किसी चीज़ को बेकार नहीं बोल रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। कंपैरिजन में जो छोटा है, जिसकी आवाज़ कम है, वो कम ही रहेगी, अच्छी नहीं हो जाएगी। जो होम थिएटर में जैसे अगर बड़े स्पीकर्स लगते हैं तो बड़ी साउंड बेहतर साउंड, सिनेमा हॉल में हम जाते हैं और बड़ी साउंड और बेहतर, तो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो होम थिएटर को होम थिएटर की तरह ही हमको मानना चाहिए, साउंड बार को साउंड बार की तरह ही मानना चाहिए। साउंड बार से हमें ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि वहाँ पे हमको एक बहुत ही बढ़िया लाजवाब सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा, कितनी ही महंगी साउंड बार ले लो। बट आप जब बहुत ही ज़्यादा महंगी साउंड बार लेने जाते हो तो वहाँ पे आपको सराउंड साउंड का जो एक्सपीरियंस है वो अलग चीज़ हो गई, साउंड की क्वालिटी अलग चीज़ हो गई। साउंड की क्वालिटी बड़े स्पीकर से ज़्यादा अच्छी सुनाई देगी, वुडन स्पीकर से ज़्यादा अच्छी सुनाई देगी, प्लास्टिक स्पीकर से और छोटे स्पीकर से साउंड तो निकलेगी, तो वो साउंड की क्वालिटी उस लेवल तक हम उससे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते जो सिनेमा हॉल में आती है। एक बहुत छोटे रूम के लिए ठीक है, बट
थोड़ा भी आपका रूम बड़ा हो, जैसे कि मान लीजिए कि लंबाई में अगर आप डेप्थ में बैठ रहे हो थोड़ा पीछे ज़्यादा की तरफ और टीवी स्क्रीन थोड़ी ज़्यादा दूर है और वहीं साउंड बार लगी है, तो फिर वो बढ़िया सराउंड इफेक्ट ही नहीं बनेगा जो पीछे स्पीकर आप रखोगे, तो उनसे वो आएगा ही नहीं मज़ा। मतलब पता चला पीछे वाले स्पीकर से तो आपको जो इफेक्ट्स हैं वो तो सही रहेंगे, बाहर जो दूर रखे हैं उनके लेवल्स वगैरह आपको छेड़ने पड़ेंगे और बहुत कुछ उसमें तामझाम करना पड़ेगा, तब जाकर के 19-20 फर्क पड़ेगा। साउंड बार्स में भी टेक्नोलॉजी वही सब दी गई है जो कि होम थिएटर में दी गई, लेकिन वो एक छोटे पैमाने पर होती हैं, उसके अंदर उतने कॉम्पोनेंट्स ही नहीं लगे होते, उसके अंदर उतनी चीज़ें होती ही नहीं है जितनी कि एक AVR का आप साइज़ देखो इतना बड़ा होता है, और उसको कभी खोल करके अगर मैं दिखाऊँ आपको तो उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें उसमें कंपोनेंट्स लगे होते हैं, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ काम फंक्शनिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो सारी चीज़ें। तो बहुत साउंड जो होती है वो शुरुआत बहुत कहाँ कहाँ से होती है, मैं कितना मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता। तो अगर आपका एक बजट है जहाँ पर कि आप होम थिएटर्स तक का अफोर्ड कर सकते हो, आपको बड़े स्पीकर्स लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है अपने घर में, तो मेरी रिकमेंडेशन यही जाएगी तो फिर आप होम थिएटर की तरफ ही जाओ, साउंड बार्स को वहाँ पे अवॉइड कर दो। लेकिन हाँ, अगर घर में जगह नहीं है बड़े बड़े स्पीकर्स लगाने की और घर का रूम का साइज़ इतना बड़ा नहीं है और आपको साउंड्स का इतना ज़्यादा क्रेज़ भी नहीं है, बस एक सिर्फ फिल्म देखने का जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसा इफेक्ट चाहिए, तो साउंड बार्स उसके लिए वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी हैं। साउंड बार और होम थिएटर के बीच में ऐसे कंपैरिजन करना कभी भी सही होएगा ही नहीं, क्योंकि साउंड बार एक अलग चीज़ है, एक अलग ही टेक्नोलॉजी हो गई एक तरीके से, और एक जो होम थिएटर सिस्टम है वो एक अलग ही हो गया। अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।